लोकसभा चुनाव में भाजपा की अंदरूनी कलह चिंता का विषय बनी हुई है। दिलीप बांगर ने खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और पर्चे भी बांट रहे हैं कि यदि पैलेस को टिकट दिया गया तो वे निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। शुक्रवार रात को शहर के कुछ इलाकों में उन्होंने इस आशय के पर्चे भी बांटे हैं। इस तरह दिलीप बांगर के पर्चे बांटने को लेकर जनता का कहना है कि इस बार पैलेस की नैया पार लगना बड़ी मुश्किल होगी। भाजपा के कद्दावर नेता ही टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर शहर में पर्चे बांट रहे हैं। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। 35 वर्षों से एक ही परिवार को यहाँ पर विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। एक तरफ शीर्ष नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वंशवाद के विपरीत बात करते हैं। गुजरात के चुनाव हुए, उन्होंने उस समय कहा कि ये विकास की जीत है और वंशवाद की हार है। मैंने शीर्ष नेतृत्व से निवेदन किया है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम वंशवाद का आरोप किसी अन्य दल पर लगाते हैं तो हमारे ऊपर जो वंशवाद देवास में हमने बना के रखा है उस पर अमल होना चाहिए और उस वंशवाद को समाप्त होना चाहिए। के साथ बेरोजगारी आज अभिशाप के रूप में युवकों के सामने खड़ी है। 300 से ऊपर कंपनियां थी, परंतु जब से तुकोजीराव पवार जी विधायक बने सारी कंपनियों की क्या स्थिति बनी, टूट गई। आज मात्र हाथ पे गिन लो इतने उद्योग यहाँ पर बचे हुए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कोई चाट बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, ये कंडीशन हो गई है। जो थोड़ी बहुत यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ चालू है वहाँ स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, कोई देखने वाला नहीं है। हाल ही में 700 से 800 महिला कर्मचारियों को टाटा एक्सपोर्ट से बाहर कर दिया गया, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी के साथ जहाँ तक एजुकेशन का प्रश्न है, आज देवास के युवक जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो इंदौर के कॉलेजों में रोज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो है विद्यार्थी MIT कॉलेज उज्जैन में जा रहे हैं, तो कई बच्चे हमारे पूना और नागपुर में पढ़ रहे हैं। तुकोजीराव पवार उच्च शिक्षा मिनिस्टर रहे देवास में और उनको किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं का डिपार्टमेंट था। क्या वो उच्च शिक्षा की व्यवस्था देवास में नहीं बना सकते थे?